हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल योर किड्स ब्लॉग। तो आज मैं आपके लिए कुछ नया दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है स्टील लंच बॉक्स 3 कंटेनर वाला, जिसे मेरी बेटी अभी ओपन कर रही है, आप देख ही रहे हैं। और ये लंच इसके लिए ही मंगाया है मैंने, इसके स्कूल के लिए। इसका लंच बॉक्स थोड़ा ख़राब हो गया था तो सोचा नया ऑर्डर करते हैं, कुछ स्पेशल ऑर्डर करते हैं। आप देखिए, ये लंच बॉक्स जो है अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैंने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर देखा हुआ है, तो काफ़ी चलन में भी है ये अभी। तो देखिए, मैं इसको अभी दिखाती हूँ आपको अंदर से ये कैसा दिखता है। अभी इसको मेरी बेटी ओपन कर रही है, देखिए कुछ इस तरीके से है। इसका जो नीचे का बेस है वो प्लास्टिक है, और ऊपर जो आप ट्रांसपेरेंट जो दिख रहा है, ढक्कन दिख रहा है इसका जो आपको, वो कांच नहीं है, वो फाइबर है। दिखने में कांच लग रहा है बट कांच नहीं है। और इसके चारों साइड से लॉकिंग सिस्टम है, देखिए ये चारों साइड से है। और इससे क्या होता है कि आपका खाना गिरने का चांसेस नहीं रहता, या एक दूसरे कंटेनर में आने का चांसेस नहीं रहता, तो सेफ एंड साइड भी रहता है और मिलता भी नहीं है। और ये जो है, ये मैंने बताया था आपको, इसका जो लिड जिसे ढक्कन बोलते हैं वो फाइबर है, और जो इसका अंदर का पार्ट है, जो मिड का पार्ट है, ये स्टील नहीं है, ये एल्युमिनियम है। और हल्का भी नहीं है और ज़्यादा भारी भी नहीं है, मीडियम वेट का है और अच्छा है। मीन्स ऐसा नहीं है कि हाथ में पकड़ने से अंदर धस रहा हो, अच्छी क्वालिटी का है। और इसके नीचे का जो सबसे नीचे का बेस है वो प्लास्टिक है, और इसके अंदर जो हमको दो चीज़ मिली हुई है इसके इनसाइड, एक स्पून जो कि स्टील का है और अच्छी क्वालिटी का है, हल्का नहीं है, और ये चॉपस्टिक है, ये भी अच्छी क्वालिटी की है, हल्की नहीं है। मीन्स वेट बहुत अच्छे से है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फोक हो, ठीक है ना। तो ये सब इसको मैं अंदर मिला हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर खाना, बताते हैं कि लीकेज नहीं होता है, और जैसे कोई लिक्विड सब्जी है तो वो लीकेज नहीं होती है, तो सब्ज़ी लीकेज तो नहीं होती है, बट सबसे नीचे वाले पार्ट में जब हम पानी भरते हैं तो वो लीकेज होता है।